हेलो दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिपाही फार्मा का कंप्लीट मॉडल पेपर जिसको हमने चार पार्टों में डिवाइड किया है दोस्तों ये मॉडल पेपर 26 अप्रैल को होने वाले सिपाही फार्मा एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सो प्लीज़ दोस्तों इसके चारों पार्ट ज़रूर देखें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं पार्ट डी फार्मेसी सेकेंड के ट्वेंटी एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एल्कलोइड प्रजेंट इन ब्लैक पेपर इज बताइएगा दोस्तों ब्लैक पेपर में कौन सा एल्कलोइड प्रजेंट होता है ऑप्शन ए कैरियोफाइलिन बी सिन्ना सी बन फैलानीन एंड डी पाइपलाइन तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी पाइपलाइन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिन्नामन बताइएगा दोस्तों सिन्नामन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ऑप्शन ए सिन्नामोमम जिलेनिकम ऑप्शन बी है सिन्नामोमम कैसियम ब्लूम एंड सी है सिन्नामोम बर्मैनी एंड डी है सिन्नामोम लोईर लेरी तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी सिन्नामोमम जिलेनिकम दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा सिन्ना मन की फैमिली क्या होती है जल्दी से कमेंट करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री रैंसिडिटी ऑफ फैट इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए थियोनिन टेस्ट बी सेलिबिनप टेस्ट एंड सी कैरीज टेस्ट एंड डी मिलंस टेस्ट तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी क्रेज टेस्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड कम्स अंडर शेड्यूल ऑप्शन ए है शेड्यूल पी ऑप्शन बी है शेड्यूल क्यू एंड ऑप्शन सी है शेड्यूल एम टू एंड ऑप्शन डी है शेड्यूल एम थ्री तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी शेड्यूल क्यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इफ ड्रग कंसिस्ट ऑफ एनी फिल्थी पुट्रिट और डीकम्पोज सब्सटेंस एंड इट इज अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज ऑप्शन ए फिल्थी ड्रग बी है एडल्ट्रेटेड ड्रग्स सी स्पोरियस ड्रग एंड डी मिसब्रांडेड ड्रग तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एडल्ट्रेटेड ड्रग्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज मस्ट नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑप्शन ए है फिफ्टी डोजेज बी हंड्रेड डोजेज सी टू हंड्रेड डोजेज एंड डी है थ्री हंड्रेड डोजेज तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हंड्रेड डोजेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन एम एम आर वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स ऑप्शन ए मम्स मैनिजाइटिस रूबेला ऑप्शन बी है मलेरिया मिजल्स रेबीज सी है मम्स मिजल्स रेबीज एंड डी है मिजल्स मम्स रूबेला तो जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी यानी मिजल्स मम्स रूबेला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी एट न्यू नेटल ज्वाइंटिस डिस इज ट्रिएटेड विद कलर लाइट ऑप्शन ए ब्लू बी रेड सी ऑरेंज एंड डी नन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी ब्लू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्टी नाइन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ऑप्शन ए पॉल एर्लिक बी जोसेफ लिस्टर सी है एंटोनी वैन ल्यून हॉक एंड डी है लुइस पास्चर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी यानी लुइस पास्चर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ऑप्शन ए है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वी जेनेटिक इंडस्ट्री सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड डी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ए बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री इज ऑप्शन ए लेजर बी जर्नल सी कैशबुक एंड डी नन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी जर्नल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ए वेरी इफेक्टिव लेटेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग मीडियम ऑफ एडवरटाइजमेंट इज़ ऑप्शन ए रेडियो बी टेलीविजन सी न्यूज़पेपर्स एंड डी मैगजीन्स करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी टेलीविजन्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन कैंसर इज ऑप्शन ए ल्यूकेमिया बी माइलोमा सी सार्कोमा एंड डी नन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी सार्कोमा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ऑल द फॉलोइंग आर ऑटोम्यून डिसीज एक्सेप्ट ऑप्शन ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस बी अर्थराइटिस सी माइस्थेनिया ग्रेविस एंड सिकल सेल एनीमिया तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी सिकल सेल एनीमिया तो दोस्तों याद रखिएगा ये सभी के सभी ऑटो अम्यून डिसीज़ हैं लेकिन सिकल सेल एनीमिया ऑटोअम्यून डिसीज़ नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हीमोफीलिया ए डिसीज इज करेक्टराइज बाई डिफिशेंसी ऑफ ऑप्शन ए फैक्टर सेकेंड बी फैक्टर फिफ्थ सी फैक्टर सेवन्थ एंड डी फैक्टर एर्थ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी फैक्टर एर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अलब्राइट सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए बॉन बी कार्टिलेज सी बॉथ ए एंड बी एंड डी नन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी बॉथ ए एंड बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन ऑप्शन ए मीट बी एगीऑल्क सी फिश एंड डी मिल्क करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी एगी ऑल्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कंजक्टिवल सिरोसिस ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑप्शन ए विटामिन सी बी विटामिन के सी विटामिन एंड डी विटामिन बी ट्वेल्व तो जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी विटामिन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द रिकमेंडेड डेली अलाउेंस ऑफ विटामिन ए फॉर वुमेन इज ऑप्शन ए फिफ्टी एम सी जी पर डे बी टू फिफ्टी एम सी जी पर डे सी फोर फिफ्टी एम सी जी पर डे एंड डी सेवन फिफ्टी एम सी जी पर डे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सेवन फिफ्टी एम सी जी पर डे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज मार्केटली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज ऑप्शन ए एल्कलाइन फॉस्फेटेज बी एस्पारेट अमीनो ट्रांसफरेज सी है एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज एंड डी है क्रिएटिनिन काइनेज तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी एल्कालाइन फॉस्फेटेस दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन और मोटिवेशन देता है एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेज आप किस पैटर्न पर चाहते हैं So those to stay healthy and take care, thank you for watching.